गुड मॉर्निंग. इन ग्रामर चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल्स ए एंड द. ओके, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, रूल्स, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सी. This exercise is from textbook page number 50. So let us start. Fill in the blanks with a, an or the. Okay, अब हमें क्या करना है, blanks दी हुई है उसमें तीनों का use करना है, a का भी, an का भी और the का भी. So let us start. Number 1, dash Pacific Ocean has dash huge variety of फिशेस. ओके, पैसिफिक ओशियन, देखो पर्टिकुलर नेम आ गया आर्टिकल का, राइट. जैसे हमने कल समझा था पर्टिकुलर नेम होता है आर्टिकल का, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द, टी एच ई. द पैसिफिक ओशियन हैज़ डैश ह्यूज वेराइटी ऑफ फिशेस, यहाँ पे क्या आएगा, अ. A Pacific Ocean has a huge variety of fishes. Number 2. Give me dash apple from the basket. Okay, apple आ गया. जैसे हमने पहले देखा था कि n का use कहाँ कहाँ होता है, जब भी कोई हमें दिया गया हो vowel, यानी कि a, e, i, o, U, ये वोवेल हमें दिया गया हो तभी हम N का यूज़ करते थे, राइट. अब एप्पल आ गया, तो एप्पल का स्टार्ट देखो A से हो रहा है, यानी कि वोवेल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, N. गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट. यस, मूविंग फर्दर, नंबर 3. डैश नीम ट्री इज़ वेरी यूजफुल. नीम ट्री भी देखो पर्टिकुलरली दिया हुआ है ट्री का नेम, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द, टी एच E. The name tree is very useful. Okay, number 4. Dash Taj Mahal is in Agra. Taj Mahal भी देखो particular monument का नाम दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या use करेंगे, the, T H E. Yes, moving further. Number 5. क्या दिया हुआ है, Dash Oxford Dictionary is very useful to me. Okay, Oxford Dictionary, ये भी बुक का नाम है particularly, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, the, T H E. Yes, number 6. Dash girl live near my house. क्या हो जाएगा, yes, a girl live near my house. Number 7. Dash birds flew over the tree. A bird flew over the tree. Yes, moving further. Number 8. Dash school is closed for Holi. School आ गया, तो देखो ये भी particular place का नाम दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या use करेंगे, the, T H E. I hope you all are clear with this blanks. So moving further, let's start exercise number D. This exercise is from textbook page number 50. So let us start. Fill in the blanks with N, A, N or the. ये भी blanks है और इसमें भी A, N और the का use करना है, पर ये जो है वो हमें एक पूरी story दी हुई है. चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है. One afternoon, dash fox was walking through. ओके, क्या बोल रहा है, एक दिन फॉक्स जो है वो वॉकिंग थ्रू हो रहा था फॉरेस्ट में. फॉक्स देखो दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए. फॉरेस्ट है इसीलिए भी ए. क्या बोल रहा है, एक दिन दिन में फॉक्स जो है वो जंगल में जा रहा था. ही स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वेरी हाई ब्रांच. अब वो जंगल से जा रहा था तो उसने क्या देखा कि ब्रंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा देखा. जस्ट द थिंग,
क्वेंच माय थ्रिस्ट सेड द फॉक्स। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है फॉक्स? अब उसको वो जब भी देखता है अंगूरों को तो उसके पास जाने का उसका मन कर रहा है। टेकिंग अ फ्यू स्टेप बैक, अब क्या किया उसने, थोड़े से कदम उसने पीछे बढ़ा लिए। द फॉक्स जंप्ड, थोड़े से कदम पीछे बढ़ाने के बाद क्या किया उसने, एकदम से जंप किया। एंड जस्ट मिस्ड, जंप किया तो उसके मुंह से मिस हो गया, क्या मिस हो गया, अंगूरों का गुच्छा। द हैंगिंग ग्रेप्स, यानी हैंगिंग यानी कि लटके हुए ग्रेप उसके मुंह से मिस हो गए। अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक, अब उसने दूसरी बार क्या किया, अब वो थोड़े से कदम पीछे चला। एंड ट्राई टू रिच देम, अब उसने क्या किया, दोबारा ट्राई किया कि मैं दोबारा से अंगूरों को खाऊं। उसका एक अंगूरों को देखकर तो बहुत मन ललचा रहा था कि ये अंगूर तो मैं खाकर ही रहूँगा। पहली बार उसने क्या किया, बहुत सारे कदम पीछे चला, फिर उसने जंप किया, फेल हो गया, फिर वो थोड़े से स्टेप चला पीछे, फिर उसने रिच किया, अगेन फेल, स्टिल ही वॉज फेल, यानी कि दोबारा भी वो फेल हो गया। आफ्टर एन आवर, थोड़े घंटों के बाद, फाइनली द फॉक्स गेव अप एंड सेड टू हिमसेल्फ, अब कुछ घंटों यही प्रोसेस वो करता रहा। कुछ घंटे बीतने के बाद फॉक्स देखो क्या सोच रहा है, द ग्रेप्स आर प्रोबेबली सोर एनी वे, अब वो क्या सोच रहा है कि ग्रेप्स उसके मुंह में तो आ नहीं रहे, तो वो ये सोच रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, एंड वॉकड अवे, और वो ये सोचकर वहाँ से चले जाता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। ओके, लेट्स रिवाइज। वी यूज ए बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि ए का यूज कहाँ होता है, जब भी कोई वर्ड बिगिन में कॉन्सोनेंट साउंड करता हो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। नंबर टू, कौन सी चीज़ हमने सीखी, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ वोवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि सिंगल चीज़ों के बारे में बात की गई हो, अ गर्ल, गर्ल जब मैं बोलूँ तो वो सिंगल ही है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, अ फॉक्स है तो वो भी वहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, ए, राइट, बर्ड है तो ये भी सिंगल चीज़ों के बारे में यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज अ। और वी यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड जैसे हमने सीखा था क्या था, यस, ए, ई, आई, ओ, यू, यस, ये पांच लेटर का जब भी स्टार्टिंग हो रहा हो वहां पे हम एन यूज करते थे, क्योंकि ये पांच लेटर किस में आते हैं, वोवेल साउंड में, ए, ई, आई, ओ, यू, यस। नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखी थी, ए और एन इज यूज्ड फॉर एनी सिंगुलर पर्सन और थिंग, कोई भी सिंगुलर और पर्सन के थिंग में भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, पर हमें चीज़ें यही दो याद रखनी है कि वो साउंड कौन सा कर रही है। अगर वो सिंगल में साउंड कर रही होगी जैसे बर्ड, गर्ल, तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, और जब वो वोवेल का साउंड करेंगी यानी कि कोई वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे एप्पल है, ओशियन है, ठीक है, कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा होगा, वहाँ पे हम एन यूज़ कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखी इस चैप्टर में, द इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। और हम द का यूज कब करते थे, जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई थिंग हो, या कोई प्लेस हो, या कोई एनिमल का नाम दिया गया हो, तो हम द का यूज करते थे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड with our new chapter. Thank you. Have a nice day.